नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों आज आपके लिए ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, पर थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही है, तो भाई लास्ट तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आईपीएल के फैन हो सबसे पहले सब्सक्राइब याद से करके रख लीजिए। शुरुआत करते सबसे पहले यहाँ पे ट्रेविस हेड के साथ में। तो भाई ट्रेविस हेड काफ़ी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, सेंचुरी भी मारी है। तो यहाँ पे आपको छोटी सी अपडेट दे दूँ ट्रेविस हेड के बारे में। ट्रेविस हेड जो है ना भाई, ये साल का जो अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट होने वाला है उस लीग के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे, जिस टीम में स्टीवन स्मिथ खेल रहे थे। उस टीम का नाम क्या है? वॉशिंगटन फ्रीडम। जी हाँ भाई, ट्रेविस हेड जो है वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए ये साल का मेजर लीग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ना खबर आ रही है कि जो बीसीसीआई है ना, ये लोग ने एक अचानक से ऐसा फैसला बताया है कि जो भी आईपीएल का कमेंटेटर हो, आईपीएल का प्लेयर हो, आईपीएल का ओनर हो, आईपीएल का सोशल मीडिया कोई भी हैंडलर हो, मतलब जो भी मैच से रिलेटेड होगा, मान लो आज किसी टीम का मैच है और स्टेडियम के अंदर से कोई भी जो है ना, ये सभी ऑफिशियल लोग फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। आप लोग ने फ़ोटो खींचा, अच्छी बात है, अपने पास रखिए, लेकिन आप उस फोटो को जो है सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकते। कोई भी आईपीएल का प्लेयर, कमेंटेटर, ओनर जो भी होगा, उस दिन जिसका मैच होगा, ये सिर्फ उसके लिए रूल लागू किया जाएगा। अब भाई ये क्यों रूल लाया है बीसीसीआई ने, इसके पीछे की वजह साफ नहीं है, बस इतना फ़िलहाल बताया है। नेक्स्ट खबर दोस्तों ये आ रही है फिलहाल हमारे धर्मशाला के स्टेडियम से। देखिए भाई, धर्मशाला जो है ना इंडिया का पहला ऐसा ग्राउंड बन रहा है जहाँ पे जो है सिस ग्रास हाइब्रिड पिच होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? काफ़ी अच्छी पिच है, इसके अंदर आपको जो है स्विंग देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे जो है प्रैक्टिस विकेट जो रहेगा ना भाई, जो प्रैक्टिस विकेट रहेगा वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का रहेगा। तो प्लेयर जो है नेट्स में भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और स्विंग गेंदबाजी भी जो है यहाँ पे अच्छी खासी होगी। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं ओवरसीज टेस्ट के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस इस ग्राउंड पे हो जाएगी। दोस्तों एट द एंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडिया वुमेन का स्क्वाड की। तो भाई इंडिया वुमेन वर्सेज बांग्लादेश वुमेन के बीच में T20 की सीरीज़ है, जिसको लेके जो है ना इंडिया वुमेन ने उनका स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आप लोग पूरा स्क्वाड आपके स्क्रीन के ऊपर फिलहाल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ। अगर आप लोग आईपीएल के फ़ैन हो, क्रिकेट के फ़ैन हो, चाहते हैं आप सभी तक क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले पहुँचे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखना है। आप लोग ज्वाइन कैसे करोगे? मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो भाई, ज्वाइन करो, एकदम फ्री है। या फिर आप लोग आप टेलीग्राम के ऐप पे जाओ, ऊपर सर्च कर लीजिए क्रिकेट विद पवन और इसको याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।